आखिर क्यों अफजल खान ने अपनी 63 पत्नियों को मार डाला। बात है 17वीं शताब्दी की। अफजल खान शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। अफजल खान का शरीर दानव जैसा था और उसकी फौज भी मराठाओं से दुगनी थी। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन लड़ाई से पहले एक मौलवी ने अफजल खान को भविष्य बताते हुए कहा, वो शिवाजी महाराज से जीत नहीं पाएगा और मारा जाएगा। ये बात सुनते ही अफजल खान के मन में सबसे पहले उसकी 63 बीवी आई। उसे डर था कि उसके मरने के बाद कहीं उसकी बीवियां किसी के साथ नाजायज संबंध ना बना ले या किसी और से निकाह ना कर ले, इसलिए उसने खुद अपनी बीवियों को बेरहमी से मरवा डाला। एक सबसे छोटी बीवी ने भागने की कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। अपनी बीवियों को मारने के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज को मारने के लिए चाल चलता है और उसका अंजाम क्या होता है वो तुम सभी जानते हैं। आज भी अफजल खान की उन 63 बीवियों की कब्रें बीजापुर में मौजूद है, जो उस दर्द भरी दास्तां और अफजल खान के घिनौने काम का सबूत है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।